देव के चरण पकड़े, गुरु कौन श्रेष्ठ? आहा, हमारी नजर में तो एक ही गुरु जी आते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, लाइए दोनों हाथ। जय जय हनुमान गोसाई, जय हनुमान गोसाई। एक गुरु जी है हनुमान जी। एक बात हो महाराज, आपने गुरु जी बताते दिए हनुमान जी, पर हनुमान जी कौन बात करते हैं? हनुमान जी बात करें तो कोई प्रश्न पूछे तो कम से कम गुरु जी उत्तर तो देवे, हनुमान जी बात ही नहीं करते। अरे भाई, हनुमान जी कौन कहता बात नहीं करते हैं? बात करते हैं, बस सुनने के कान होने चाहिए। कौन कहता भगवान बात नहीं करता? वो बात करता है, सुनने का कान होना चाहिए। कौन कहता है हम ऊपर नहीं जा सकते? बस पंखों में जुनून और ऊपर उड़ने की उड़ान होनी चाहिए, हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, साधको गुरु हमारी दृष्टि को बदलता है। क्या बदलता है? जोर से बोलो, देखने के तरीके को। और जिसका देखने का तरीका बदल गया, दुनिया बदल गई। बोलो सीताराम। अब देखने का तरीका कैसे बदले? गुरु कृपा से निज मन मुकुर सुधार। महाराज करें क्या? सुनो, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जिसका गुरु बलवान होता उसका चेला पहलवान होता है। इसलिए गुरु कृपा से दृष्टि बदल सकती है। क्या बदल सकती है? जोर से बोलो। लेकिन अब आजकल तो गुरु जी भी ठीक है और चेला जी भी ठीक ही है। चेला जी कहते हैं गुरुजी चाहे जैसे हो फोटो बढ़िया खिंच जाए। एक आदमी, हम जा रहे थे भारत में एक जगह, चले जा रहे थे, भयंकर गर्मी, जून की गर्मी, खड़ाऊं पहने खटपट, शरीर एकदम पसीना से लथपथ, ऊपर से कपड़ा डाले। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, होगा दुबई का। गुरुजी 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 गुरुजी, हमने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो गुरुजी, एक मिनट एक मिनट, अब वो प्रणाम तो करे, हमें देखे उल्टा। तो हमका ये क्या है, प्रणाम कर रहे हो, हम पसीना में लथपथ हो रहे, पर तुम देख उस तरफ। बोले गुरुजी उस तरफ हमारी पत्नी और बेटा बैठा है। तो हमका भाई पत्नी और बेटा बैठा है तो देखने की क्या जरूरत है? बुला लो उनको भी, प्रणाम करवा दो, हमें जाने दो। गर्मी का भयंकर महीना है और बहुत तपती दोपहरी है, देखो भाई नीचे भी तप रहा ऊपर भी तप रहा, सूख के हम छुआरे हो गए हैं, हमें जाने दो। बोला गुरुजी हम प्रणाम नहीं कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। हमने कहा ठटरी के बारे नक्कटा, ये फोटो किस लिए? बोले हमने कहा ठीक है फोटो खिंचवा लो, श्रद्धा है तुम्हारी, फोटो खींचना चाहिए, लो खींच लो खींच लो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो अब जाओ। बोले गुरुजी हमने कहा बहुत श्रद्धा है, पूजा मंदिर में रखोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हमारा बेटा बात नहीं मानता है तो हम उसको डरवाते हैं कि देख बात मान नहीं तो बाबा आ जाएगा। कभी कभी हमारा बेटा बिस्कुट नहीं खाता है तो हम डरवाते हैं, खा जा वरना बाबा आ जाएगा। और आप आश्चर्यचकित मानोगे कि आजकल संस्कारों में ऐसे भरे जा रहे हैं कि बच्चों के दिमाग बचपनी से बाबाओं के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ, बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा। हम यहीं दुबई से हम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब, हम और तीनों चारों पांचों लोग, हमारी बहन पूनम, सब लोग बैठ करके जा रहे थे और साधारण बस पे बैठे हुए थे। एक बहन जी अपने बच्चे से कह रही थी खा ले हलवा वरना बाबा खा जाएगा, एक घंटा यही कहती नहीं खा ले। और बच्चा कहे हमें नहीं खाना, अब कहे नहीं खा वरना बाबा खा जाएगा।
जब दो तीन स्टेशन निकल गई, दुबई निकलने ही वाला था, आबू धाबी निकल गए। हमने कहा बहन जी एक बात बताओ, वो खा रहा है वरना हमें तो तुम्हारे चक्कर में दो स्टेशन छूट गई हमारी। तो हम लोग बचपन से ही ऐसे विचित्र संस्कार देते हैं कि बाबाओं के खिलाफ कर देते। हम महात्माओं के पक्ष में नहीं है, न तुम्हारे खिलाफ में है, हम तो संस्कृति के पक्षधर हैं और संस्कृति के जगाने के पक्षधर हैं। अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को जगाना, दूसरों को प्रेरित करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। इसीलिए हम दुबई में तुमको जगाते हुए कहते हैं हमको संस्कार बचपन से ही बच्चों में पाल करके रखना है। इसलिए अगर सृष्टि को बदलना है तो सबसे पहले दृष्टि को बदलना है।